बचाओ बचाओ, कोई बचाओ उसे, बचाओ जल्दी जाओ। हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और कैसे लगी हो शादी वाली वीडियो? जिसने देखी है ठीक है, नहीं देखी है तो आई बटन ये रहा। और अब चला आपको ले आता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, कम ऑन। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं एक हिडन प्लेस जहां पर बहुत कम लोग आते हैं। तो भाइयों, बहुत कम लोगों को पता है ऐसी जगह जो कि ना तो देहरादून में है ना ही हरिद्वार में है। ये जो लोकेशन है भाई, मैं इसकी बात करूं तो ये है ऋषिकेश की। तो भाई, जितने भी ऋषिकेश वाले व्लॉग देख रहे होंगे तो तुरंत लाइक कीजिएगा। और देहरादून वाले भाई जितने भी मुझे देख रहे होंगे तो भाई जल्दी जल्दी आइए, गर्मी का मौसम है, लुत्फ उठाइए मज़ेदार जगह के। तो अब ज़्यादा वेट ना करवाते हुए आपको सीधा लेकर चलता हूँ नदी के पास। उससे पहले एक चीज़ मुझे सब बताइएगा कि भाई अपने जय भाई का सीधा इंट्रो कैसा लगा आपको? तो मैंने सोचा था कि जय भाई से स्टार्टिंग होगी व्लॉग की, तो अब सीधा दिखाते हैं आपको वो प्यारी सी हिडन लोकेशन। टन टन। सो गाइस, ये जो पानी है ना भाई, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है। और अभी इस पानी में हम नहाएंगे जम धम के, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी का टेम्परेचर है। तो भाई, सबको पता है देहरादून ऋषिकेश वालों को कि भाई कितनी गर्मी हो गई है, 34-35 अभी चल रहा है टेम्परेचर। तो भाई जून जुलाई वाले में टेम्परेचर में 40 में क्या हाल होने वाला है। तो इसलिए भाई, जब भी मौका लगे तो प्यारी सी जगहों में आओ, खूब नहाओ, अपने दोस्तों को लेकर आओ। और ये जो लोकेशन की बात करूँ तो बहुत ही सही लोकेशन है। आप देख रहे हो यहाँ पर भाई खनन का काम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, दबा के। और सबसे बड़ी बात है कि भाई अगर देहरादून वालों को यहाँ आना है ना तो उनको भाई ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो एंड में मैं बताऊँगा इस लोकेशन के बारे में कि ये एग्जैक्टली लोकेशन है कहाँ। और अपने दोस्तों के साथ आओ भाई, जमा करके बाइक में जम के मजे करने के लिए। तो अब हम इस नदी में भाई, जय भाई क्या बोलते हैं, हो जाए नहाना है भाई, अब नहाना है यहाँ पर। और अब सच में इंतजार नहीं हो रहा यार। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, क्या ये टी शर्ट का बटन खुल गया। तो भाई अब सीधा नदी में चलते हैं नहाने के लिए। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये अपने कुछ गैंग वाले हैं, तो ये अपने भाई लोग हैं जो कि फुल मजे करेंगे यहाँ पर। तो इन भाई लोगों के साथ हम यहाँ पर जाएंगे क्योंकि ये भाई लोग ही हमें यहाँ पर लेके आए हैं। और वो देखो दिखाओ भाई एक बार से, मजे। अब इस लड़के से बेसब्री का पहाड़ टूट चुका है और अब ये जा रहा है इस नदी के मजे लेने। चलो गाइस, और ये कूदने वाला है, ओ, और ये अब देखो ये तैरता हुआ आशीष कहाँ तक जाएगा। ओ मजे बेटे मजे, ये वाह, सब्बास। अरे फुल मजा आ रहे, कैसा लगा पानी? ठंडा है क्या? ठंडा है पानी? बहुत ठंडा। क्या मजे आ रहे? फुल मजे भाई, फुल। ओ, मुझे लग रहा है ज्यादा ठंड लगी उसको। यार दोस्तों, ऐसे मजे ना भाई अभी तक नहीं हुए थे जो इस पानी में हुए। एक तो ठंडा पानी, मुझे कहते ना कि कलेजा ठंडा हो गया। और भाई बहुत पीसफुल जगह है, बहुत ही पीसफुल जगह। और भाई सबसे बड़ी बात बताई क्या है, यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हो पिकनिक मनाने। संडे वाली दिन चूज़ कीजिए और इस प्यारी सी लोकेशन को चूज़ कीजिए। और भाई यहाँ पर लौंडे लोग फ्लिप मार रहे हैं, बैक फ्लिप। तो भाई मैं तो एकदम से यहाँ पे आ गया। पानी का बहाव मुझे लग रहा था बहुत कम है, पर उतना भी कम नहीं है भाई, बहुत तेज़ है पानी का बहाव। तो अब जय भाई जाते हुए, जय भाई लग रहे हैं पक्के तराक। और ये अंडर वाटर स्विमर, और भाई गो 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 मैन, क्या ही स्विमिंग स्किल्स है, क्या ही स्विमिंग स्किल्स है। लगता है भाई पूरा आज नदी का ये देख रहे हो एरिया भाई ने कवर कर देना है, उम्मीद से ज़्यादा बढ़िया स्विमिंग भाई की यहाँ पर। और ये देखिए, हेलो मैन, ओ भाई जॉनी ब्राइन भाई, तो यार भाई कोने में पहुंच गए, क्या ही बात है, क्या ही बात है। ओ
उस हिसाब से देखा जाए भाई बहुत ही लंबी चौड़ी नदी है, देख रहे हो आप एरिया नदी का, और कितना ही प्यारा व्यू है यार। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है इस प्यारे व्यू के लिए मैं क्या बोलूं, कोई वर्ड ही नहीं बच रहा, मतलब मैं निशब्द हो गया हूँ। सामने पहाड़, बीच में नदी, और यहाँ पे हमारे नंगे पुंगे अख्तर। प्लीज वो बोल रहा, प्लीज यार मुझे मत लेना व्लॉग में भाई, अब तू ही व्लॉग वायरल बनाएगा भाई, भाई तुझे मैं ले लूंगा व्लॉग में। आ जाओ कम ऑन, लेट्स कम ऑन। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी पे तेरा खून, जल्दी जल्दी तैर ले भाई, चले जाएगा वरना आगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। देखा है ऐसा ताराक भाई, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा अपना भाई। आ जाओ क्या बोल रहा ये भाई, पता क्या बोल रहा कि भाई मैंने कितना कवर किया होगा भाई, तूने अंडर वाटर जाके दिखा जरा, चले हाँ स्टार्ट कर, देखते हैं भाई इसकी अंडर वाटर स्विमिंग। अबे काय का अंडर वाटर, चल बे घसेरी लाल। ऊपर ऊपर तैर रहा है और बोल रहा है अंडर वाटर। मेरी बारी, मेरी बारी। अबे भाई की बारी, चलो भाई देखते हैं कि ये अंडर वाटर कर सकता है कि नहीं कर सकता। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। तो भाई और अंदर, भाई हो गया गायब, जादू। अगर किसी को भाई दिख रहा है तो जल्दी कमेंट में बताइए, तेरा भाई की टांगे दिख रही हैं अभी। ओ भाई वहां से वापिस, अरे जय भाई पूरे मजे लेते हुए हैं, भाई फुल मजे ले रहा है जय भाई इस गर्मी के। और हमारे सूर्य देवता आप देख रहे हो फुल टॉप में और पूरा खतरनाक वाला गर्मी बरसाते हुए अपने बच्चों पे। और देखो भाई अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ तक खतरनाक वाला सीन हो रखा है, बहुत खतरनाक वाला सीन। इतना सारा एरिया है ना यहाँ पर, चाहे तो मतलब संडे वाले दिन आइए आप फैमिली के साथ पिकनिक विकनिक मनाने के लिए, बट कूड़ा वूड़ा गंदा वंदा मत कीजिएगा यार इस लोकेशन को। गहरा कहाँ पर है, हाँ क्या कर रहा, अंडर वाटर तेरे बस का नहीं है बाबा, तेरे बस का नहीं है अंडर वाटर। अबे तू साफ पता लग रहा है, तो दगड़ियों बताओ कैसी लगी ये जगह। पहले तो जय भाई से पूछा जाएगा, भाई कैसी लगी, एकदम क्लासिक फुल मजा आ रहा है। और भाई यहाँ पर आप समझ सकते हो इसको बीच, मिनी बीच, गोवा बीच, मिनी गोवा बीच, कुछ भी बोल दो भाई। और यहाँ पर इस लौंडे को देख रहे हो। क्या बोलते हैं भाई से, क्या बोल रहा था, सनबाथ। भाई ये देख लो लड़का बिल्कुल सनबाथ के मजे ले रहा है। भाई यार ये मजे गोवा में नहीं मिलते, और तुम यहाँ पे फुल मजे ले रहे हो। हाँ बिल्कुल भाई। भाई देख लो कतई भाई खतरनाक हो रखा है, कतई खतरनाक। भाई ये रेत खराब तो नहीं है ना वैसे, ना ना बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ रेत है। तो देख लो भाई, भाई की तरह मजे ले लो। पहले वहां पर नहाओ और उसके बाद आओ और रेत में लेट जाओ। क्यों भाई यार, संडे वाले दिन तो खतरनाक भीड़ रहती होगी, तो तुम यहीं के लोकल हो हैं? अच्छा संडे वाले दिन कितने लगभग कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पर, 50 लोग। भाई देख लो 50 लोग भाई, मतलब संडे को तो भर भर के भीड़ हो जाती होगी यार। अब इस व्लॉग से बाकी लोगों को भी पता लगेगा, देहरादून वालों को भी पता लगेगा, तो मुझे लग रहा है इस बार जम के यहाँ पर ना भाई जम के भीड़ होने वाली है। तो बस भाई बैग वैग सारे तैयार कर लेना और फट से इस जगह में आना है, हल्ला बोलने ढंग से नहाना है, फुल मजे करनी है, और भाई की तरह सनबाथ लेना है। क्या करना है भाई की तरह, रेत में लेट जाना है बस आपने। यार सही है लौंडे, सही है बेटे, तेरे पापा को दिखा दी ना ये वीडियो। घर जाके ऐसा सुतान होगा ना, चप्पल ही चप्पल। लौंडे इसके घर पे दिखा दूं ये वीडियो, जय भाई क्या बोलते हैं, इसके पापा को दिखा दीजिए, ऐसे चप्पल ही चप्पल पड़ेंगे ना भाई। पहले तेरे पापा को शेयर करूंगा भाई ये वीडियो। तो यहाँ पर भाई जय भाई, हो पुशअप।
पुशअप किंग जर नॉट यार जाओ उत्तराखंड का मिनी बीच कह सकते हो, मिनी बीच कह सकते हो, पर भाई सन बात कर सकते हैं, फुल मजे ले सकते हैं, सुपर सुपर डुपर बीच भाई। कूदो यहाँ पर, कूदो यहाँ, सूखो सही बोला, यहाँ कूदो और वहां सूखो भाई। यार अगर मैं आज GoPro से वीडियो बना रहा होता तो एकदम अल्टीमेट लेवल बनती, पर भाई ये फोन भी यार खतरनाक ही है अपना, इस फोन से भी खतरनाक वीडियो बन रही है। और जय भाई पूरे मजा लेते हुए। अरे ये क्या मिला भाई, ये चांदी का कड़ा भाई, भाई रहस्यमय पानी के, रहस्यमय चांदी का कड़ा भाई। ये चांदी कहाँ मिला भाई, अंदर डीप अंदर था भाई, भाई सो लॉटरी लगी भाई, यस यस यस, आज तो पार्टी होगी पार्टी। क्या बोल रहा, क्या तो पहुआ ये भाई देख भाई, भाई ये भाई ये तो मेरा ही कड़ा है भाई, ये मेरा ही कड़ा गया था अंदर भाई, भाई मेरा कड़ा मिल गया दोस्तों। और तू क्या बोल रहा था कि यार पार्टी होगी बहुए की, भाई ऐसे लोगों को तो ना इतना मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए। अब ये एक और डाई मार के निकल भाई, क्या निकला पौआ भाई, ये नटबोट भाई, कितनी खतरनाक नदी है, कुछ आभूषण मिल रहे हैं, किसी को नट मिल रहा है और किसी को मिल रहा है पौआ। देख लो भाई ये नदी कितनी कितनी लाभदायक है हम जैसे गरीबों के लिए, पूरा मेटल ही मेटल, पूरा मेटल ही मेटल मिल रहा है भाई। ये देखो मुझे भाई फोन मिला भाई को, भाई को मोबाइल फोन मिला नदी के अंदर, भाई को बोतल मिली, अरे भाई ये तो सरसों के तेल, सरसों के तेल की बोतल भाई। आप देख लो ये नदी कितनी जहाँ हो रहा है चमत्कारी, ये चमत्कारी नदी है, कहीं कंगन निकल रहे जहाँ पे आज के टाइम नटबोल निकल रहे, बहुत ही चमत्कारी नदी, अद्भुत 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 भाई, सर्फ एक्सल भाई, आप ये देखो कितनी तगड़ी नदी है। मुझे नदी नहीं लग रही, मुझे तो कंपनी लग रही है, यहाँ पर किसने कंपनी खोल दी भाई। ये सरसों का तेल कितना, ये सर्फ एक्सल कपड़े धोने का सर्फ एक्सल से लेके ये हमारा सरसों का तेल, चांदी का, नींबू निकाल दो नींबू भाई, नींबू निकाल दो प्लीज भाई, 300 रुपए किलो चल रहे हैं भाई, नींबू पानी नहीं पिया है बहुत दिन से भाई, भाई एक नींबू निकाल दो ना भाई, नारियल भी आते हैं, नारियल चाहिए तो बोलो नींबू भाई, नींबू। साहिल भाई यार तुम्हें डूबना आता है, हाँ बहुत अच्छा आता है यार, एक बार डूब के दिखा दो यार भाई जरा कैसे डूबते हैं। तो गाइस अभी तक आपने तैरने का सोचा होगा पर अब डूबने का देखो, बचाओ बचाओ कोई बचाओ उसे, बचाओ जल्दी जाओ मेरे भाई, बचाओ बचाओ भाई, भाई को डुबाने जा रहा है, सॉरी बचाने जा रहा है, बचाओ बचाओ, ओ बहुत राटे काट रही है। तो दोस्तों हम यहाँ पर फुल एंजॉय कर रहे हैं, और भाई यार आप ना पूरा चैनल देख लेते हो, पूरी वीडियो देख लेते हो भाई, सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, तभी लोकेशन बताऊंगा यहाँ की, तो कर दिया, और सब्सक्राइब के बगल में होगा एक घंटी बेल, उसको भी टन जरूर बना दीजिए। और भाई ऐसे ही मस्त मस्त व्लॉग आते रहेंगे। और अब बात करते हैं लोकेशन की कि ये मस्त जगह है कहाँ पर है भाई, ये भाई मैं बताऊँ, बता भाई, ऋषिकेश में एक जगह है श्यामपुर, और आगे सुनो, श्यामपुर में भाई एक जगह है नेपाली फार्म, नेपाली फार्म, और नेपाली फार्म में ठाकुरपुर, और ठाकुरपुर में है ये नदी सोंग नदी। भाई जल्दी से आओ यहाँ पर और फुल मजे लो, और भाई अब हम जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं दुनिया से, बाय बाय, गुड बाय।